Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome back to Civil Engineering classes. स्वागत है आप लोगों का QSC के लेक्चर में. आज हम लोग सेप्टिक टैंक का एस्टीमेट बनाएंगे. आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो क्या है, सेप्टिक टैंक का है. उसमें लिखा हुआ है कि एस्टीमेट ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर 25 यूज़र्स, यानी कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दे देता है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि 25 यूजर है या 50 यूजर है या 20 है या 40 है, जो भी है. लेकिन अगर डायग्राम नहीं देता है तो फिर इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ती है कि डेप्थ कितना रहता है, ब्रेथ कितनी रहती है और लेंथ कितनी रहती है. तो अभी ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये डायग्राम वाला कर रहे हैं जिसमें डायग्राम देता है. एक क्वेश्चन और बता दूंगा जिसमें डायग्राम नहीं दिया रहता है. चलिए तो देखते हैं बिना देरी किए क्या लिखा हुआ है. प्रिपेयर ए डिटेल एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक विथ सोप पिट. अब हम लोगों को क्या बनाना है, एस्टिमेट बनाना है सेप्टिक टैंक का, किसके साथ, सोप पिट के साथ. ठीक है, एक सेप्टिक टैंक होता है उसके बगल में सोप पिट रहता है, जो उसमें से पानी निकलता है सेप्टिक टैंक से, वो सोप पिट में जाता है और उसको क्या कर लेता है, वो सोक लेता है. ठीक है, फॉर 25 यूजर्स फ्रॉम द गिवन ड्राइंग, यानी इसमें ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग देख लेना है. और कुछ भी इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है उसको देख लीजिए. ठीक है, लिखा हुआ है सेप्टिक टैंक शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, यानी जो सेप्टिक टैंक बनेगा वो फर्स्ट क्लास ब्रिक का बनेगा. ठीक है, यानी एस्टिमेट बनाते वक्त इसका ध्यान रखना है कि सेप्टिक टैंक फर्स्ट क्लास ब्रिक का ही है. और 1/4 का सीमेंट मोर्टार बता दिया गया है इसमें. ठीक है, और क्या बताया गया, 1/3 का सीमेंट कॉन्क्रीट बता दिया गया है. और सेप्टिक टैंक शैल बी फिनिश्ड विथ 12 mm सीमेंट प्लास्टर है, और फ्लोर शैल बी फिनिश्ड 20 mm सीमेंट प्लास्टर विथ 1/3 मोर्टार मिक्स्ड. रेशियो कितना 1/3 का है, मोर्टार मिक्स्ड बता दिया गया, विथ स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड. ठीक है, यानी जो DPC डालेगी वो स्टैंडर्ड रहेगा, जो कि वाटर से क्या करेगा, हमें बचाव करेगा, यानी सीट वगैरह जो आ जाती है, डैम्प आ जाता है. अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सोक पिट सेल बी सेकेंड ब्रिक क्लास बता दिया, इसमें सेकेंड क्लास का जो ब्रिक रहेगा उसका इस्तेमाल करेंगे सोक पिट बनाते वक्त, और 1/6 का सीमेंट मोर्टार रहेगा. ठीक है, एंड मिडिल पोर्शन शैल बी ऑफ ड्राई ब्रिक वर्क, रूफ कवरिंग स्लैब एंड बेफल वॉल शैल बी प्रीकास्ट RCC. ये सारे डेटा इसमें दे दिया गया है. द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग पाइप फ्रॉम लेटरिन सीट में भी टेकन एज 3 meter, 3 meter का रहेगा एज ऑन सुटेबल रेट्स. उसका जो रेट है, आप एस्टिमेट बना रहे हैं तो एक पहले क्वांटिटी लाते हैं, बाद में एक्सट्रैक्ट करके उसका रेट निकाल लेते हैं. ठीक है, तो कहा गया है कि एज्यूम कर लेना है सुटेबल रेट को, यानी आप कुछ भी पेपर में जो या तो डेटा आप याद करके जाइएगा क्या रेट इस समय चल रहा है और उसको पुट कर दीजिएगा. अब आप लोगों के सामने ये एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हमको दो चीज़ें नज़र आएंगी. ठीक है, एक है सेप्टिक टैंक और दूसरा है सोक पिट. अब सेप्टिक टैंक के नीचे इसका क्या दे दिया गया है, प्लान दे दिया गया है, और ये जो सोक पिट का प्लान है. ठीक है, दोनों को दिखाया कैसा गया है, प्लान आप जानते हैं कि टॉप्स दिखाया जाता है, बस टॉप्स इसको क्रॉस करके दिखाया गया, यानी क्रॉस सेक्शन का मतलब कट करके दिखाया गया है, और इसको फ्रंट से दिखाया गया है कट करके, एलिवेशन है ये दोनों. ठीक है, इनका हमको क्या करना है, एस्टिमेट बनाना है. तो ये आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें. अब एस्टिमेट बनाते वक्त हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले जो चार्ट बनती है उसकी क्या बनती है, आइटम नंबर, पार्टिकुलर ऑफ आइटम्स, डिटेल, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी चीज़ें आप क्या कर लीजिएगा, एडवांस में पहले से बना के रखिएगा, और जो जो क्वेश्चन में जिस जिस के बारे में पूछा होगा वो पुट कर दीजिएगा बस, जैसे अर्थवर्क, सीमेंट, कंक्रीट या जो भी है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना एस्टिमेट बनाना. तो आपको करना क्या है, ये सारा चीज़ मैंने जो बता दिया कि सबसे पहले करना है आइटम, पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स एंड डिटेल लिखना है, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, क्वान्टिटी, है ना, एक्सप्लेनेटरी नोट यानी रिमार्क वगैरह कर देना है. अच्छा, अब देखते हैं कि सबसे पहले करते क्या हैं. कोई भी काम होगा, अगर जो काम नीचे किया जा रहा है ज़मीन में, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थवर्क करेंगे. ठीक है, तो अगर आप सेप्टिक टैंक बना रहे हो या बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है ना, तो सेप्टिक टैंक में बेस बनाना पड़ता है, और सेप्टिक टैंक पूरा ही पूरा किस में चला जाता है, ग्राउंड लेवल में चला जाता है, यानी ग्राउंड लेवल के बिलो चला जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को गड्ढा कितना करना पड़ेगा, जितना सेप्टिक टैंक बनाना है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सेप्टिक टैंक भाई इतना बनाना है तो इतना गड्ढा होके रहेगा.
तो अब स्टार्ट करते हैं कि अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन लिखेंगे सबसे पहले एग्जाम में, ये दिया रहेगा। अब उसमें करना क्या है, सेप्टिक टैंक, और सेप्टिक टैंक का भी दिखाना है, सोक पिट का भी दिखाना है, ठीक है। तो सेप्टिक टैंक का सबसे पहले देख लेते हैं, सेप्टिक टैंक कितने पेपर में गिवन है, हमको नजर आ रहा है साफ साफ कि एक पेपर में गिवन है, नंबर कितना हो जाएगा एक। अब रही बात इसकी लेंथ और ब्रेथ की, तो याद रखिए ये लेंथ नहीं है, ये हाइट है। लेंथ ब्रेथ आपको किस में दिखता है, प्लान में दिखता है। तो ये 90 है और यहाँ से यहाँ 40 दिखा दिया गया है, तो 40, 90 और ये 40, ये ब्रेथ में बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप जोड़ लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। 90 प्लस 40 प्लस 40, ये आपको दिखा 170, तो 170 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करने पे मीटर में आ जाएगा, आंसर डिवाइडेड बाय 100, और दिस इज 1.7, और आप इसको क्लियरली अपने चार्ट में देख सकते हैं कि 1.7 कहाँ पे ब्रेथ में है, ठीक है, ऐसे लाना है। अब इसी तरह लेंथ को देख लीजिए, लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ 200 है, ये पूरा 40 है, कैसे पता, यहाँ से देखे हैं, ठीक है, ये 40 है, ये 40 है, तो ये भी 40 है, ये भी ऊपर वाला भी 40 है, इधर वाला भी 40 है, यहाँ पे भी दिख रहा है 40 लिखा हुआ है। तो 240 का 100 से भाग देंगे तो 2.8, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा 2.8। अब आते हैं हाइट की तरफ, तो हाइट कहाँ पे नजर आ रही है हमको, यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी है 20, और यहाँ से यहाँ 60, चलिए ये लॉन्ग पड़ जाएगा, इधर से डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं, ये कितना है 140 और ये कितना है 30। आपको देखना कैसे है, जहाँ तक ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है ना वहीं तक गड्ढा खोदेंगे, तो आपको ध्यान इसमें देना है, यहाँ लिखा हुआ है 130, यहाँ पे 140 और यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ये देखिए, ठीक है। तो इस सबको जोड़िए कितना होता है 160 और ये हो जाएगा 190। अब रही बात 5 सेंटीमीटर और, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर और कहाँ से ले रहे हैं ये देख लेते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर हम लोगों को इसके बीच का गैप दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, या तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये 10 सेंटीमीटर की जो है डेप्थ है इसका एवरेज भी ले सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, 20 प्लस 5 प्लस 140 प्लस 30, ये कितना हो गया 195, ठीक है, क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपको हो गया कितना 195। अब ये तीनों चीज रख लिए हैं, सेप्टिक टैंक में नंबर एक 280 रहा तो 2.8, और 170 तो 1.7 और 1.95, ये सारा चीज करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई ये देखिए आपको मैंने कैलकुलेशन बता दिया था ना, 140 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है, ये सारा ऐड करने पर 195 आया है, यानी 1.95 मीटर। आप ये सारे डेटा को एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सोक पिट की तरफ, सोक पिट अप टू 3 मीटर डेप्थ क्यों कर रहे हैं, पहले देख लीजिए सोक पिट है कहाँ, ठीक है, गड्ढा कहाँ तक खोदेंगे, देखिए सोक पिट का गड्ढा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक खोदना है, ठीक है, गड्ढा खोदने को ही अर्थ वर्क कहते हैं इन एक्सकेवेशन, ठीक है। तो ये कितना 50 है, कैसे दिख रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से, 50, फिर यहाँ से 250, 300, और 300 के बाद अपने को ये 20 भी दिख रहा है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग खोदते हुए चलेंगे, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई में अंतर है, यानी इसको अलग कैलकुलेट कर लीजिए गड्ढा खोदने का, और इसको अलग कैलकुलेट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि इसकी जो ये दिख रही है ब्रेथ दिख रही है ये यहाँ से यहाँ तक कम है, तो ये वाला पहले ले लेते हैं जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन कितना है 50 और 250, यानी 300 मीटर की आपको क्या मिल गई, डेप्थ मिल गई। और इसके बाद ये जो है ये सर्कुलर है, कैसे पता चल रहा, नीचे वाला डायग्राम आपका प्लान है जो सर्कुलर है, अब यहाँ से पूरा हम लोग को डाया लेना पड़ेगा, तो 100 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15, और इधर भी 20 प्लस 15 प्लस 15, ये आपको करना है, फिर से बता देता हूँ, 100 प्लस 20 120 प्लस 15 और प्लस 15 30 150, और इधर 20 170, फिर 15 15 30, यानी 200, तो 200 का डाया हो गया टोटल, तो ये वाला हो गया 3 मीटर डेप्थ हो गई। अब वन नंबर में हो गया, और ये हो गया आपका क्या चीज, पाई इंटू डी का स्क्वायर बाय 4, ये एरिया हो गया, पूरा गड्ढा खोद रहे हैं आप, एरिया बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके पूरा गड्ढा आप खोदते हुए जा रहे हैं, तो एरिया बन रहा पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, डाया कितना रहा 200, यानी 2 मीटर, ठीक है, इंटू
अब ब्रेथ की बात की जाए तो इसमें ब्रेथ नहीं है क्योंकि एरिया डायरेक्ट बन गया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन एरिया हमको सर्कल का पता होता है पाई बाय 4 डी के स्क्वायर, इसलिए आपको ब्रेथ में कुछ चीजें नहीं भरना है अपने से। अब आते हैं हाइट, हम लोग 3 मीटर का डेप्थ लिए थे तो वही वाली हाइट आपको क्या करना है, पुट कर देना है, और ये सारा चीज का मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये वैल्यू 9.42 ये आ जाएगी। चलिए अब आते हैं नीचे का जो पोर्शन हमारा बच गया था वो क्या बच गया था, ये इसको भी गड्ढा खोदना है, जब यहाँ तक पहुंच जाओ तो फिर इतना भी और खोदवाना है, ठीक है। तो ये कितना है ये देखने के लिए आप देखो यहाँ से यहाँ तक की मोटाई कितनी है, 20-20 का दिख रहा है और ये 100 है तो 100 और 20 और 20 140 हो जाएगा, तो डाया अपना 140 का हो गया, तो देख ले 140 यानी 1.4 मीटर के हिसाब से, ठीक है। सोक पिट लोअर पोर्शन देख रहे हैं, एक है संख्या में पाई बाय 4 डी का स्क्वायर लगाना है क्योंकि एरिया के हिसाब से हम लोग कट कर रहे हैं क्योंकि ये सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, यानी वृत्त है, तो पाई बाय 4 डी का स्क्वायर लगाया है तो डाया कितना आया था 1.4 स्क्वायर। अब आते हैं इसकी हाइट, कितनी हाइट में इसका गड्ढा खोदे हैं नीचे साइड, तो नीचे देखिए यहाँ से यहाँ तक खोदे हैं, ऊपर वाला खोद चुके थे, तो ये 20 सेंटीमीटर की हाइट है यानी 0.2 मीटर, तो देखिए 0.2 मीटर यहाँ पर हम लोग रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, इसको रख देंगे। ये सारा अर्थ वर्क था, इतने ही अर्थ वर्क करना है और पेपर में आप करिएगा, और ये अर्थ वर्क जब आ जाए तो तीनों को ये इस साइड वाले क्वांटिटी को पूरा जोड़ दीजिएगा, टोटल अर्थ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और ये करीबन आपका 4 नंबर 6 नंबर अच्छे खासा नंबर का रहता है, याद रखिएगा, है ना, अच्छे से करिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, आपको क्लियर क्लियर सारा विजुअल हो जाएगा इसमें डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं देता है तब भी आपको बन जाएगा, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा बिना डायग्राम वाला क्वेश्चन, कि कैसे बिना डायग्राम का क्वेश्चन आता है और कैसे आपको एनालाइज करके उसका एस्टिमेट बनाना है, तो डोंट वरी, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो में आपको कोई डाउट आए तो कमेंट में तुरंत पूछिएगा, ठीक है, और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपसे व्हाट्सअप से कनेक्ट यानी आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर लिए अर्थवर्क, अब आते हैं सीमेंट कंक्रीट वर्क करना है, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप खुद देखिए कि अगर आपके सामने डायग्राम है और आपके सामने सेप्टिक टैंक है तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप खुद सोचिए कि आपको खाली जमीन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि सेप्टिक टैंक बनाइए, तो आप सबसे पहले गड्ढा करेंगे, उसी को कहते हैं अर्थवर्क, फिर उसके बाद उसके नीचे बेस बनाएंगे, उसी को कहते हैं सीसी वर्क या एलसी वर्क। तो सीसी वर्क यानी सीमेंट कंक्रीट वर्क, एलसी वर्क यानी लाइम कंक्रीट वर्क, तो सीसी वर्क इसमें गिवन है 1-3-6। अब सीसी वर्क करने के बाद आप क्या करेंगे, किनारे किनारे की सेप्टिक टैंक की दीवार बनाएंगे, उसी को कहेंगे ब्रिक वॉल, ब्रिक मेसनरी, ये भी करेंगे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की ब्रिक इसमें गिवन है कि क्या करना। फिर वो बनाने के बाद हम लोग सेप्टिक टैंक में क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक में बेफल वॉल बनाते हैं बीच में, ठीक है, ये थोड़ा अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, बेफल वॉल बनाएंगे 4 सेंटीमीटर के। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस वॉल में पाइप भी कनेक्ट करेंगे ना, जो कि पाइप हमारा इनलेट आउटलेट यानी जो मटेरियल आ रहा है वेस्ट मटेरियल वो उससे क्या हो जाए, पार हो जाए, तो पाइप भी लगा देंगे जो घर से जुड़ा रहेगा, फिर बाहर सोक पिट से जुड़ेगा और सोक पिट बाहर, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में। और ऊपर से फिर ढकने के लिए क्या करेंगे, छत बना देंगे ना स्लैब की, आप सेप्टिक टैंक आई होप आप देखे होंगे, है ना, क्योंकि बहुत लोगों का घर ऐसे जगहों पे होता है जहाँ सेप्टिक टैंक, जैसे शहर है ना अर्बन एरिया में जहाँ पर सेप्टिक टैंक इस्तेमाल नहीं होता है, और किसका होता है इस्तेमाल, नाले का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत लोगों के घर में सेप्टिक टैंक होगा, ठीक है, और जो नहीं देखे होंगे वो यहाँ से आप समझ जाइए कि ऐसा होता है। चलिए तो मैंने क्या बोला, अब हम करेंगे सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क, तो 1-3-6 में सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क करना है, तो सीमेंट कंक्रीट वर्क जो सेप्टिक टैंक में किया जाता है वो 2 फेजेस में होता है। पहला तो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए बेस, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये 20 सेंटीमीटर की हाइट में बता दिया है। फिर क्या करते हैं हम लोग, अंदर साइड फ्लोर जो बना रहे होते हैं उसको थोड़ा सा ढाल दे देते हैं ताकि जो यहाँ पर अपना वेस्ट गिरे वो अच्छे से यहाँ पर घुल जाए, तुरंत ही इसमें न चला जाए, है ना, घुल के अच्छे से जाए, तो ये साइड में आ जाए लुढ़कता हुआ और अच्छे से घुल जाए, और उसको जो बैक्टीरिया इसमें मौजूद है वो उसको अच्छे से क्या कर ले, ईट यानी खा ले, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है कि बैक्टीरिया कैसे खाता है, सेप्टिक टैंक के अंदर क्या होता है, क्यों सेप्टिक टैंक डिज़ाइन किया जाता है, ये सारा पोर्शन मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में समझाऊंगा, और अभी मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ, तो आप लोग अगर इस सब चीज़ का नॉलेज चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग क्या करिएगा, मेरा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1-3-6
तो यहाँ तक कर लिए 20 सेंटीमीटर। तो हमको दो पोर्शन दिखा, एक ये वाला दिखा, ये देखिए यहाँ से पतला है लेकिन यहाँ से मोटा है, यानी ये 10 बाई यहाँ पे 0 है, एक ट्राइंगल पोर्शन दिख रहा है। इस ट्राइंगल पोर्शन को अलग रखेंगे और इस रेक्टेंगल पोर्शन को अलग रखेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है लेकिन ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ इतना है, ठीक है। तो दो पोर्शन को बनाते हैं, चलिए। तो एक का नाम रखे हैं फाउंडेशन, यानी जो नीचे का पोर्शन, और ऊपर वाले को रखें स्लोपिंग फ्लोर, जो ऊपर का पोर्शन है, और दोनों संख्या में एक रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं उसकी लेंथ ब्रेड के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है वो इसके बराबर है, ठीक है, और जो हमारा ये वाला पोर्शन है वो इसके बराबर है। कैसे दिख भी रहा है, क्रॉस सेक्शन इसी का ही बना हुआ है, ठीक है, ऐसा, और ये ऐसा, ठीक है। तो अब इसके बराबर है तो ये वाली लेंथ हम लोग ले सकते हैं, ब्रेड्थ और लेंथ, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक 280 लिए थे, कैसे पता, फिर से बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ 200, ये 20 और ये 20 40, फिर ये 20 और ये 20 40, यहाँ टोटल 40 दिखा दिया गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 200 और 40 और 40 80, 280 100 से भाग दे दीजिए 2.8 मीटर में, तो इसको यहाँ पर रख लीजिए, 2.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो ब्रेड्थ की बात की गई थी, फिर से देख लीजिए, 90 और ये 40 और ये 40 हो जाएगा 170, 100 से भाग 1.7। और इसकी हाइट के बारे में बात करा जाए तो 20 सेंटीमीटर की हाइट है। देखिए जो वर्क आप कर रहे होंगे उसी वर्क पे पूरा ध्यान रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि आपका ध्यान किसी और में चला जाएगा। आप सीमेंट कंक्रीट वर्क कर रहे हैं तो पूरा ध्यान सीमेंट कंक्रीट में ही रहे, आप समझ लीजिए कि आप वहाँ मौजूद हैं और आप ही उसको बना रहे हैं। तो कितना हाइट रखेंगे, कितनी लेंथ रखेंगे, कितना ये रखेंगे, ठीक है, वो उसी में आप ध्यान लगा के ही बनाइएगा। ये नहीं कि आप सीमेंट कंक्रीट करते करते ब्रिक देखने लग जाएं, है ना, ये सब मत करिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्या हो गया, एक फाउंडेशन में 280 170 ये रख लिया। हाइट के बारे में मैंने बोला कि 20 सेंटीमीटर जो हाइट दिख रही, यही तो कर रहे थे अपन सीमेंट कंक्रीट, ये देखिए 1.6 लिखा है, तो 20 की हाइट भी हो गई 0.2, है ना, 100 से भाग देने पर 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए मीटर में इसको बदल रहे हैं, है ना। तो ये करने पे गुणा कर दिए। उसके बाद स्लोपिंग फ्लोर, मैंने बोला कि ये स्लोपिंग फ्लोर भी आपको दिख रही है, किसकी तरह दिख रही है, एक ट्राइंगल की तरह। यहाँ से देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन एक ट्राइंगल की तरह आपको नजर आ रहा है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया, इंटू लेंथ कर देंगे ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाइए सबसे पहले, और फिर उसके बाद लेंथ। तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 200 है, ये लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 200 बाई 90 तो हो गई लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। और हाफ लगाएंगे किसमें, इसके थिकनेस में, यानी हाइट, यहाँ से यहाँ 10 है, 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो देखिए एक नंबर में हो गया, ठीक है, एक नंबर में हो गया 200 यानी 2 मीटर और 90 यानी 0.90, और 10 का भाग ये 2 किए थे क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए 10 + 0/2, ये एवरेज लिया है, ठीक है, आप एवरेज ना समझिए, डायरेक्ट ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट और लेंथ का इंटू कर दो, ठीक है। तो हमने इसका इससे हाइट से 2 का भाग दे दिया 10 से, तो हो गया अपना 5। तो 5 को अगर 100 से भाग दोगे तो 0.05 ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए हैं, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और ये आपका आ गया टोटल 64 टोटल आ गया सीमेंट कंक्रीट। ये भी 3-4 नंबर का रहेगा, तो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए, ठीक है। पेपर ये ऐसा कैसा, ये जानते कैसा होता है, ये ऐसा होता है कि आपसे जितना बन रहा उतना अगर कर लिए तो उसका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी पेपर में कोई स्टेप नहीं बनता है, तो आप उस पूरे क्वेश्चन को ना छोड़िए, उसको उठाइए, चाहे 2 स्टेप ही करिए लेकिन करिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आई होप नहीं बल्कि आपको जरूर बनेगा, अगर अच्छे से आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, और कहीं पे डाउट होगा और मुझसे पूछेंगे, ठीक है, तो वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करने की बारी आ गई है। देखिए कहाँ होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, ये वाला पोर्शन है सेप्टिक टैंक का ब्रिक वर्क का, ये जो साइन है ये ब्रिक की साइन है, ठीक है, इस साइन से पहचान लीजिए कि ब्रिक वर्क है। और ये जो साइन है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट 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 दिख रहे हैं आपको, और ये है ना, ये साइन है सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है, यानी कंक्रीट वगैरह का, और ये ब्रिक का। तो ब्रिक वर्क इसमें करेंगे, लेकिन ब्रिक वर्क देखिए करेंगे तो ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा सा पतला है, यानी 2 स्टेप बनेगा। तो इसका नाम फुटिंग 1, इसका नाम फुटिंग 2 दे सकते हैं, या स्टेप 1 स्टेप 2 दे सकते हैं। अब स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया, अब हम लोग कौन सा मेथड लगा दें इसके लिए, ब्रिक वर्क के लिए हम लोग लगा देते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो ठीक है, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड लगा रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या होता है वो समझेंगे, है ना। तो
तो लॉन्ग वॉल मेथड लगा रहे हैं, ठीक है, पहले ये देख लीजिए। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करते हैं, लॉन्ग वॉल में जुड़ता है, शॉर्ट वॉल में घटता है, जब सेंटर सेंटर लो तो। लेकिन आप लोग यहाँ सेंटर सेंटर नहीं, पूरा ले लेते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। कैसे देखिए बताता हूँ, हमको यहाँ से यहाँ करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ करना है। तो ये 30-30 की है, कितने की है, 30, ये लिख दिया 30, 30-30 60, और इसके बीच का जो है गैप वो कितना है, 200 का है, तो 260 हो जाएगा। अपने पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टोटल हो गई 260 की, ठीक है। ये आपको मैं अब मैं बता दूंगा कहाँ दिखेगा। अच्छा, अब लॉन्ग वॉल की बात की जाए कितने हैं, शॉर्ट वॉल की बात की जाए कितने हैं। यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ दो, ये लॉन्ग वॉल दिख रहा है आपको, ये वॉल, वॉल का साइन बना हुआ है, ये एक एक ये एक ये दो, मतलब हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लिए हैं, यानी ये पूरा वॉल बना लिए, ये बना लिए। तो यहाँ से यहाँ 260 हो रहा है, ये 220 और 20 40, ये ऊपर का 20 दिख रहा है मैंने बताया, नीचे का 30 है ना, तो नीचे वाला पोर्शन 30 देखिएगा, ये 20 मत देख लीजिएगा। तो 260 हो रहा और संख्या में दो हो गई, तो लॉन्ग वॉल दो फर्स्ट स्टेप में और 260 हो गई इसकी आपकी क्या लेंथ। अब आते हैं ब्रिथ की बात की जाए, तो ब्रिथ में ये मत देख लीजिएगा, ठीक है, लेंथ तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक वॉल देख रहे हैं, लेकिन ब्रिथ में वॉल की थिकनेस आएगी, क्या आएगी, वॉल की थिकनेस। तो वॉल की थिकनेस कितनी है, 30 की है, तो 30 लेंगे। अब आते हैं हाइट की बात करते हैं, तो हाइट यहाँ पे आपको 60 सेंटीमीटर दिख रही है, तो यहाँ से यहाँ तक 60 पूरी हाइट है 30 वाले की, तो ये आपका दीवार बन रहा कुछ ऐसा जा रहा है, देखिए ऐसा, ठीक है, बनता हुआ है ना, क्लियर हो गया। चलिए तो देख लीजिए, तो लॉन्ग वॉल लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप डालेंगे, और फर्स्ट स्टेप डालने के बाद लिखेंगे नंबर में दो, लॉन्ग वॉल दो संख्या थी आपको दिखा दिया था मैं, 260 आया था, यानी भाग 100 से करोगे 2.60 हो जाएगा। 30-30 की ब्रिथ है नीचे वाले वॉल की, तो 30 हो गया, 0.30, और हाइट मैंने दिखाया 0.60 की। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से हाइट 60 है, और ये वाली जो नीचे से देखने पर 30 की वॉल है, ठीक है, और ऊपर पे 20 की वॉल है, ठीक है, और ये 200 था, तो 260 हो गया था। चले आगे बढ़ते हैं, आगे सेकेंड स्टेप जो ऊपर का है, तो सेकेंड स्टेप 20-20 का है, तो ये जोड़िए 200 प्लस 20-20 240, 100 से भाग दीजिए 2.40, और आपको ये क्लियर नजर आ रहा, सेकेंड स्टेप भी दो ठो, ठीक है, और 2.40 हो गया। अब आते हैं इसकी ब्रेथ की, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर की वॉल आपको नजर आ रही है, 20 और ये 20, तो 20 की दिख रही है, तो 0.20 हो जाएगा इसका ब्रेथ। और अब आते हैं हाइट की बात करते हैं, तो वी हैव 60 ऑलरेडी गिवेन, ठीक है। अब बचा यहाँ से यहाँ तक के रिमेन जो हाइट है उसको निकालना है, रिमेनिंग हाइट को, तो यहाँ से यहाँ तक 60 है, टोटल लेंथ में से अगर 60 घटा दें तो अपने को ये वाली हाइट मिल जाएगी। देखिए कैसे करना है, ठीक है, अब समझिएगा बात। तो ये मैंने उठाया कैलसी, तो सबसे पहले हम जोड़ लेंगे ये वाला जो दिख रहा है 140, ठीक है, तो लिख लीजिए 140, फिर करिए प्लस 30, फिर करिए प्लस। अब रही बात, ये वाला मैंने बोला कि 10 यहाँ जीरो है, तो इसके बीच का एवरेज 5 आ रहा है, ठीक है, सेंटर से लेने पर, तो 5 इसको भी जोड़ लीजिए प्लस 5, ये आ गया 175। अब 175 टोटल है, और ये 60 को घटाना है ताकि ये वाला हमारा जो हाइट है वो मिल जाए। तो चलिए, तो हमने क्या किया ये देख लीजिए पहले, अब इसमें से क्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे 60, तो अपने पास 115 जो कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, तो 115 अब हम लोग हाइट में रख सकते हैं, और ये देखिए हमारी हाइट 115 हमने रख दी, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप था। अब हम लोग का जो फर्स्ट क्लास, देखिए कुछ लोगों को टोटल कैलकुलेशन में दिक्कत जाती, मैं बता दूँ, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे थे उसका टोटल कैलकुलेशन पहले करेंगे। आप अर्थवर्क कर रहे थे, अर्थवर्क के जितने स्टेप हुए उस सबका अर्थवर्क का कैलकुलेशन टोटल, फिर सीमेंट कंक्रीट पे जितने स्टेप हुए उनका कैलकुलेशन, और फर्स्ट क्लास ब्रिक पे आप जितने स्टेप होंगे उनका टोटल कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप सीमेंट कंक्रीट का भी जोड़ रहे हो, अर्थवर्क का भी जोड़ दिए एक साथ, ऐसा नहीं, अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग रेट रहता है सबका, अलग अलग उसका पैसा आपको पेड करना पड़ेगा, है ना, सीमेंट कंक्रीट का अलग पैसा देना पड़ता है, अर्थवर्क का अलग देना पड़ता है, ठीक है, ये सब में इसीलिए उसका रेट अलग रहता है इस वजह से। तो यहाँ तक हो गया। अब शॉर्ट वॉल की बात की जाए, लॉन्ग वॉल खत्म, शॉर्ट वॉल की बात की जाए, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारी वॉल बन गई, यहाँ से यहाँ तक बचा ये वाला और ये वाला, तो ये यहाँ से यहाँ 90 बचा, यानी ये 90 बाई 30, 90 बाई 30 नीचे के लिए 30 का था ये नीचे वाला, तो और 60 हाइट पे, और 90 बाई 20 ये ऊपर के लिए जो कि हाइट 115 है, ठीक है,
तो देखिए 90 बाई 30 जो कि हाइट 60 है, जो नीचे मैं दिखा दिया हूँ, फिर से देख लीजिए 60 और 30 वाला 90 बाई 30 60, ठीक है, फिर से देख लीजिए। तो सेकंड फर्स्ट स्टेप जो कि दो ठो है शॉर्ट वॉल, जो कि 90 की लेंथ है और 30 की उसकी क्या है विड्थ है और 60 की उसकी हाइट है, और ये पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर। सेकंड स्टेप ऊपर का था जिसमें 20 सेंटीमीटर की दीवार थी जो कि 90 लेंथ यानी शॉर्ट वॉल की लेंथ है और दो तो संख्या में है, नंबर में दो है, सबको गुणा कर दीजिए, और हाइट 115 जो ऊपर वाली आई थी उसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है हाइट में। तो ये पूरा हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक किसके लिए, सेप्टिक टैंक के लिए हो गया है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अगर आई होगी तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे हमारा है सेकंड क्लास ब्रिक वर्क। कौन सा है? सेकंड क्लास ब्रिक। शुरू में बता दिया गया था हमें क्वेश्चन में कि सेप्टिक टैंक फर्स्ट क्लास का है, सोक पिट सेकंड क्लास का है, तो अब मतलब हमको पूरा पूरा मुद्दा है कि सोक पिट पे नजर डालना है। चलिए तो सोक पिट पे आते हैं। सोक पिट देखिए, ये वाला जो हिस्सा है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये है ब्रिक मोर्टार के साथ। किसके साथ? मोर्टार के साथ। लिखा ब्रिक वर्क विद 1:6 सीमेंट मोर्टार, यानी 1:6 के साथ सीमेंट मोर्टार था, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज डन बाय किसके, किससे है? बिना मोर्टार के, तो विदाउट मोर्टार यानी ड्राई ब्रिक वर्क कहलाएगा, ठीक है, ड्राई यानी सूखा बिना मोर्टार का। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि जब हमारे इस सोक पिट में इस यहाँ से इस पाइप से हमारा क्या आएगा, गंदा पानी वेस्ट वाटर आएगा तो इसको सोख लेगा अंदर अंदर, अगर पूरा सीमेंटेड रहेगा तो कहाँ सोख पाएगा, है ना, फिर भर जाएगा जल्दी से, हमको ये सोखता बनाना है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो क्या मिला अपने को यहाँ से यहाँ तक, पहले अपर पोर्शन देखें तो ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट 50, क्लियर नजर आ रहा होगा आपको 50 है, और ये 20 की दीवार है, ठीक है, 50 हाइट 20 की दीवार। अब बात करते हैं इसके डाया की, तो डाया ले लेंगे, ठीक है, सरकमफ्रेंस में आएगा, देखिए दीवार कहाँ बन रही है, इसके अंदर नहीं बन रही है, तो कहा लेंगे हम लोग, सरकमफ्रेंस ले लेंगे, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस किसका लेंगे ये याद रखिएगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस लेंगे सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, यानी सेंटर से इस सेंटर तक का सरकमफ्रेंस बना लेंगे। अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन में भी यही करेंगे, तो पहले अपर का देख लीजिए, दो संख्या हो गई, हाइट हो गई, संख्या दो नहीं क्योंकि डाया एक ही है, ठीक है, डाया क्या है, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं सेंटर टू सेंटर, एक ही डाया में, ये देखिए ये वाल बन रही है, वाल का साइन है, वाल बन रही है, तो हम लोगों का क्या हो गया, अपर पोर्शन नंबर में एक, सोक पिट डाल दीजिएगा नंबर में एक, और पाईडी क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये फार्मूला है किसका, सरकमफ्रेंस यानी आप कह सकते हो परिधि का, है ना, हिंदी वाले परिधि, ठीक है, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई वैसे तो होता है 2πr, अगर आप शुरू से पढ़े आए हो, लेकिन आप इंजीनियरिंग में आ गए तो आप समझ गए होंगे कि डी का खेल कितना है, तो पाई डी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पाई डी, 2πr बराबर पाई डी होता है, तो पाई डी लिए हैं तो पाई इंटू डी है ये, तो डाया कितना है, सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, तो मैंने बता दिया यहाँ लिखा हुआ है मीन सरकमफ्रेंस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, तो वन यहाँ पे है 100 और ये 20 20 140, तो 20 20 ना लेकर 10 10 ले लेंगे, तो 120 हो जाएगा, तो 120 हो गया गुड़े। अब कितने की दीवार बननी है, 20 की, तो विड्थ हो गई 20, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हाइट कितनी थी, तो मैंने यहाँ पे दिखाया 50 की हाइट है, तो 50 की हाइट पे आपको इसको बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ तक आपको आई होप पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब लोअर पोर्शन पे आते हैं, तो लोअर पोर्शन पे भी सेंटर टू सेंटर 120 ही आएगा, यही वाली तो चली आ रही है 120, लेकिन हाइट में 20 हो जाएगा, बस हाइट चेंज होगा, बाकी कुछ चीज चेंज नहीं होगा, तो नंबर में एक लोअर पोर्शन पाई डी हो जाएगा 1.20, क्योंकि 120 में 100 का भाग दे रहे हैं, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर 100 का भाग देंगे तो 0.20 मीटर, और फिर 20 सेंटीमीटर की हाइट थी, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस थी, हाइट थी, वो भी हो जाएगा 0.20, और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये आ जाएगा, और ये आपका हो गया सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन किसमें, सीमेंट मोर्टार, जो कि मोर्टार के साथ है, फिर सेकंड अपना स्टेप रहेगा जो विदाउट मोर्टार, जो कि ड्राई वाला रहेगा, और ये सब करने के बाद इसको क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। अब आते हैं पांचवा स्टेप, जो हमारा क्या है, सेकंड क्लास ड्राई ब्रिक वर्क यहाँ से यहाँ तक का, है ना, जो सूखा वाला है, तो देखिए ये हाइट कितनी है, 250, साफ साफ दिख रहा होगा 250, ठीक है, 250 यानी 2.5 मीटर में, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए ए एक और पाई डी
अभी लेंथ में है, ये ढाई हाइट में देखिए ये 250, 250 यानी 2.5 मीटर, और इसकी विड्थ देखिए थिकनेस, थिकनेस यानी वॉल की थिकनेस कितनी है 20 की है, तो हमने 20 भर दिया है यानी 0.20। और इसके बाद यहाँ सेंटर सेंटर सर्कमफ्रेंस बनाने के लिए तो ये हो रहा है 120, 100 और 20 और 20 कितना हो गया 140 यानी 120, क्योंकि हम लोग सेंटर सेंटर लेंगे तो 10 10 लेंगे। अब आगे आते हैं, अब हम लोग आगे करेंगे प्रीकास्ट। तो प्रीकास्ट आरसी वर्क, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग को डायग्राम में नजर आ जाएगा क्लियर क्लियर। यहां पर देखिए स्लैब जो बना हुआ है वो आरसीसी वर्क का है, प्रीकास्ट है, क्या है, प्रीकास्ट है यानी पहले से ही, ठीक है, ढाल दिया गया है। तो ये प्रीकास्ट किया गया है, इसकी हाइट कितनी है 7.5 की दिख रही है, और यहां से यहां तक की हम लोग क्या लेंगे, इसकी ले लेंगे लेंथ, ठीक है, तो लेंथ ले लेंगे यहां से यहां तक की। क्यों ले रहे हैं यहां तक की, क्यों नहीं ले रहे हैं भैया, ये चला गया है ग्राउंड में, और ये जब ग्राउंड में चला गया है, मिट्टी भर दी है यहाँ, पूरा ग्राउंड में चला गया है, तो हम लोग इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं इतना पोर्शन को, ठीक है। ये हो सकता है कितना भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10 15 20, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। तो अपना ये हो गया 200, यहाँ दिख रहा है आपको ये सेकंड डायग्राम में 200 है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो दीवार के बराबर 20 20 के बराबर लिया जाएगा तो 240 कितना हो जाएगा, 240 यानी 2.40, है ना। तो क्या बताया मैंने कि हम लोग छठवां स्टेप प्रीकास्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या करना है, फिनिश स्मूथ इन इंक्लूडिंग स्टील रिइंफोर्समेंट कंप्लीट लेडिंग पोजीशन, ठीक है, आपको दिखा दिया मैंने, रूफ कवर स्लैब ऑफ सेप्टिक टैंक, हमने रूफ कवर की बात अभी की थी, जो ऊपर स्लैब की बात की थी वो नंबर में एक है, और 2.40 ये देखिए आपको नजर आ रहा है, 240 बताया जो मैंने। अब आते हैं इसकी विड्थ में, तो ये जितना कमरे की, कमरा कह रहा हूँ, सेप्टिक टैंक की लंबाई थी, और ये लिखे हैं अब उतने ही विड्थ देखेंगे, ठीक है, तो विड्थ कितनी है, ये 90 की है, और ये 20 और 20 40 यानी 130 130 का मतलब ये हो जाएगा कि 1.30 मीटर में। और हाइट मैंने बोला कि जितना आपको आरसीसी वर्क की हाइट दिख रही है 7.5 सेंटीमीटर, दिस इज योर आरसीसी स्लैब प्रीकास्ट हाइट। तो ये चीज को आप पुट करिए, 100 से भाग देने के बाद आ जाएगा 0.075, और ये आपका हो गया तीनों का चारों को मल्टीप्लाई करने पर ये। अब आते हैं रूफ कवर स्लैब ऑफ सोफ पिट, सोफ पिट का क्या है नजारा देख लेते हैं, है ना, रूफ कवर स्लैब ऑफ सोफ पिट, तो सोफ पिट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इसका यहाँ से यहाँ तक का पहले देख लीजिए कितना हो रहा है, 100 और ये 20 और 20 40, 140, तो देखिए कितना हो गया 140। लेकिन हमारा जो सेप्टिक टैंक है वो रेक्टेंगुलर है, और जो हमारा सोक पिट है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया मतलब ऊपर से देखने पर ये ऐसा पैक हो रहा है, तो सर्कुलर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर डी का स्क्वायर, ये हमने लगाया है पाई बाई फोर, और डी कितना आया है 140, और इस नंबर पे एक है आपको दिख रहा है, विड्थ तो होगी नहीं क्योंकि जब एरिया ले लिया है तो विड्थ आएगा नहीं। अब बात करते हैं थिकनेस की, तो जितना आपका यहाँ पे लिखा है आरसीसी स्लैब की थिकनेस, वही चीज आप उठा के रख देना 100 से भाग देने के बाद, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया, और ये सबका मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि बना है आरसीसी वर्क से, वो बना है बेफेल वॉल। ये देखिए बेफेल वॉल 4 सेंटीमीटर का है, तो आप बेफेल वॉल डालेंगे हेडिंग में सेप्टिक टैंक में, ये देखिए बेफेल वाल इन सेप्टिक टैंक, और इसका विड्थ में 4 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए। अब आते हैं इसकी लेंथ देखते हैं, तो जो यहाँ से यहाँ तक होगा कितना है, 90 है देखिए, लेकिन 90 है तो ठीक है, 90 तो ठीक है, लेकिन हम क्या बाहर बाहर से नहीं लगा देते हैं, थोड़ा अंदर से टच करते हुए लगाते हैं, तो 5 5 सेंटीमीटर और ले लेंगे बियरिंग जो दीवार के अंदर ऐसे जाएगी, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो यानी 100 पूरा पूरा ले लेंगे, तो 100 लोगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 100 ले लिया यानी 1 मीटर। और आते हैं इसकी जो थिकनेस की बात की गई थी, वो 30 ये जुड़ेगा, ठीक है, और 15 ये जुड़ेगा, एक्चुअल में नहीं नहीं 30 ये जुड़ेगा 15 ये जुड़ेगा, ये गलती से बोल दिया मैंने, 15 और ये 30 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस 45 यानी हाइट 45, तो हाइट हो गई 45.45, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके ये रख दिया। अब जितना प्रीकॉस्ट किया गया सबका मल्टीप्लाई करके हमने टोटल क्वांटिटी बना ली है,
ठीक है, आई होप मैंने आज जितना बताया, जितना समझाया आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी जल्दी, है ना। और ये रहा, ठीक है, और डायग्राम मैं आपको, है ना, शुरू में ही प्रोवाइड कर दिया हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज़ इसमें दिक्कत जाए आप मेरे से जरूर पूछिए। अब इसके आगे का कुछ जो पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, वो पोर्शन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब जा रहा है बहुत बड़ा, ठीक है, और ये सही भी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। वो क्या है देख लीजिए, पहले से सीमेंट प्लास्टर है, फिर सीमेंट प्लास्टर है और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। मेन है सीमेंट प्लास्टर जो आता है ना, इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारे चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल और मेरा पढ़ाए हुआ अच्छा लगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप क्या करिए, पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरा चीज़ ये है कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर करिए, है ना। इससे हम लोगों को क्या रहता है कि वीडियो बनाने में अच्छा रहता है, ताकि हमको लगता है कि नहीं, देखने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे पता चलता है। और कहीं पे भी डाउट हो तो बिना सोचे समझे आप क्या करिए, कमेंट करिए, है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि इसको खुद तो पढ़ना है, अपने दोस्तों को भी पढ़ाना है, और हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा भारत अच्छे से पढ़े। और सक्षम भारत की तरफ से हमें क्या करना है, अपने पूरे भारत को जो कहीं से डाटा प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है, और नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये खासकर ऐसे ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है कि उनको कुछ प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो लोग भी देखेंगे तो उनको क्या होगा, वो भी पढ़ेंगे अच्छे से, उनको भी समझ में आएगा। तो आप क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अपने तक सीमित नहीं रखना है कि हम पढ़ लें बस, हम समझ जाएँ, हम जान जाएँ, ऐसा नहीं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।